ये फाइनेंस, ये लफ्ज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार दफ़ा इसको सुन रहे होते हैं, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनेंस होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आती है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। फाइनेंस जो है वो पैसे और उसकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन के प्रोसेस का नाम है कि आप पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप उससे मैक्सिमम रिटर्न्स को अचीव कर सकें। सो बेसिकली इट्स अ मनी मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम ये बात करते हैं कि पैसे की ज़रूरत क्यों कर पेश आती है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे पैसे या करेंसी नोट्स का कंसेप्ट नहीं है, और फ़र्ज़ करें आपकी एक मोबाइल फ़ोन की दुकान है और आपको से यू हैव टू बाय अ टीवी। तो अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप किसी टीवी बेचने वाले के पास जाएंगे कि जिसे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत हो, ताकि आप अपने मोबाइल के बदले में उसे टीवी ले सकें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उसे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे किसी गाड़ी की ज़रूरत है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने किसी गाड़ी बेचने वाले को ढूंढना है कि जिससे आप गाड़ी के बदले में अपना मोबाइल फ़ोन आप जिससे एक्सचेंज कर सकें, और उस गाड़ी को लेके आप फिर किसी टीवी वाले के पास जा सकें। इस सारे प्रोसेस को बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इस ज़मीन पे इंसान की तारीख। लेकिन इस सिस्टम का प्रॉब्लम यह है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी उसके लिए लग रही होती है। उस वो सारे प्रॉब्लम जो हैं वो इस सिस्टम के जो फ्लाज हैं वो इसको एक नाकाम सिस्टम बना देते हैं, जिसके लिए जिसकी वजह से एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें चीज़ों के लेन देन के लिए हमें किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, और एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है कि जिसके बदले में आप अपनी चीज़ें या अपनी सर्विसेज को बाय या सेल कर सकते हैं। आज की दुनिया में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी पैसे के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आपने कोई सर्विस या कोई गुड्स खरीदनी या बेचनी हो, या आपने कोई लेन देन करना हो किसी के साथ, तो उसके लिए आपको पैसे ही की ज़रूरत पड़ती है। सो आई कैन से कि पैसा जो है, पैसा इज़ इन टू एवरी थिंग एंड इट्स एवरीवेयर, या बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पैसा जो है उसी के गिर्द ये दुनिया घूमती है, तो ये शायद गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपके माइंड में सबसे पहला सवाल क्या आता है? ऑफ कोर्स पहले चंद बुनियादी सवालों में से एक सवाल यही होता है कि बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंस कितनी टाइप्स का होता है। तो फाइनेंस बुनियादी तौर पे इसको तीन कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसकी तीन टाइप्स हैं: पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो है वो रिलेट करता है गवर्नमेंट्स और उसके फाइनेंस के साथ। एक गवर्नमेंट, भले वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, उसको भी अपने फंड्स को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। एक गवर्नमेंट के पास ढेर सारे इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट ने टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना है, या गवर्नमेंट ने कर्जे लेने हैं, या गवर्नमेंट की रेंटल इनकम हो सकती है, कहीं को बिजनेस इनकम हो सकती है, गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आ रहे होंगे, कोई माइनिंग राइट्स होंगे, या वट एवर। देर कुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इनकम ऑफ एनी गवर्नमेंट। फिर इसी तरह गवर्नमेंट के ढेर सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट ने मैनेज करना होता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने अपने ढेर सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की पेमेंट्स करनी होती हैं, पेंशनर्स की पेंशन की अदायगी करनी होती है, गवर्नमेंट ने जो कर्जे लिए होते हैं गवर्नमेंट ने उसको वापस करना होता है, उस पर सूद की अदायगी करनी होती है, डेवलपमेंटल स्पेंडिंग हो सकती हैं, कोई इक्विपमेंट्स परचेज करने होते हैं, डिफेंस की स्पेंडिंग हो सकती हैं एंड अलॉट मोर। फिर इसी तरह गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जिनको मैनेज करना होता है, उनके रिटर्न्स को देखना होता है। फिर बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आपकी रेमिटेंसीज हैं एंड अलॉट मोर। अब चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो कॉर्पोरेशंस के और बिजनेसेस के फाइनेंस में डील करता है। एक कंपनी जो है वो अपने उसके क्या सोर्स ऑफ इनकम हैं, वो उसके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं, वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए या वेल्थ की जनरेशन के लिए वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, उसके टैक्सेस क्या हैं, वो किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, उसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाए या इक्विटी की तरफ जाए, उसका ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंड्स के सोर्सेज क्या हैं एंड अ लॉट मोर। ये सारे वो एरियाज हैं जो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में जिनको देखते हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंस के तीसरे एरिया की तरफ, जो बहुत ज़्यादा जिसका हम सबकी ज़िंदगी में अमल दखल भी है, उसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस जो है वो किसी एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड के फाइनेंस की मैनेजमेंट को कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक फाइनेंस के उसकी इनकम के क्या सोर्सेज हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उसकी सेविंग्स क्या हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हुई भी हैं, किन किन कौन से उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से आइटम्स हैं, उनका रिस्क फैक्टर क्या है, उस इंडिविजुअल की लिक्विडिटी की क्या नीड्स हैं, या वो सारे
एरियाज जो कोई भी इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का या फाइनेंशियल प्लानिंग का डिसीजन करते वक्त जो एक जो कंसिडरेशन होती हैं या जो फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाने चाहिए, वो सारे हम पर्सनल फाइनेंस में डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड। ये एक बड़ा बुनियादी और बड़ा ज़रूरी एरिया है जिसका हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और इस पर अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं तफसील से बात करूँगा कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जो उसके लिए जानना और समझना और उन पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी है। मैं अपनी अगली वीडियो में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से कुछ टिप्स और कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।